बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़, 5 एसपी 16 डीएसपी के तकरार तबादले। मोहम्मद मासूम को एसपी डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर लगा दिया गया। शाजिया सरवर एसपी इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइंस लाहौर तायुनात। अनूष मसूद का एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन तबादला। मोहम्मद शरीफ को सीटीओ मुल्तान लगा दिया गया। गुलाम अहमद को डीएसपी डॉल्फिन स्क्वाड लगाया गया। मोहम्मद जावेद को डीएसपी गुलशन रावी लाहौर तायुनात कर दिया गया। छह मुअत्तल अरकान की असेंबली के बाहर फुटपाथ पर बैठक, बजट पर बहस शुरू ना हो सकी। ऐवान के बाहर शदीद एहतजाज, शोर शराबा, डोंकी राजा की सरकार नहीं चलेगी के नारे लग गए। लीगी खवातीन भी हुकूमत पर बरहम, ये असेंबली का इहाता है, किसी का घर नहीं लीगी खवातीन। एहतजाज के दौरान लीगी खातून रुकन बेहोश। मुअत्तल अरकान की बहाली तकनून लीग का पंजाब असेंबली के बायकॉट का ऐलान, इजलास फिर तक मुलतवी। स्पीकर ने पहले 12 वोट चोरी किए, अब हंगामा आरआई की जाली तस्वीर जारी कर दी। थानेदारी कबूल नहीं, अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के परवेज इलाही पर वार, बोले हुकूमत में अलीम खान की सूरत में कब्जा ग्रुप के लोग हैं। एहतजाज करना कोई खाला जी का घर नहीं, 126 दिन का धरना दिया था। मियां साहब 126 घंटे ही एहतजाज कर लो। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान का नून लीग पर तंज, बोले चोरों के साथ कोई रियायत नहीं होगी। स्पीकर असेंबली हमारा वक्कार और हमारी शान है, तौहीन नहीं होने देंगे। सूबाई वजीरे तालात का ऐवान के अंदर मुखालिफीन को जवाब, ख्वाजा इमरान नजीर ने असेंबली में हंगामा आरई का जिम्मेदार स्पीकर को करार दे दिया। राना मशहूद का नून लीग के वजीरे आला के आने का दावा, बोले अपोजिशन मुतहद हो जाए तो विफाक और पंजाब में डोंकी राजा की हुकूमत नहीं बन सकती। अवाम के दिए गए मैंडेट की लाज रखेंगे, मुखालिफीन अपना सियासी मुस्तकबिल तारीख देखकर खौफजदा हो चुके हैं। अपोजिशन हुकूमत की तवज्जो अवामी मसाइल से हटाना चाहती है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार से वफाकी वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान की मुलाकात। सियासी अमूर पर तबादला ख्याल, वजीर आला से मुख्तलिफ वफूद की भी मुलाकातें, मसाइल सुने। सानहे मॉडल टाउन इस्तगासा केस, साबिक डीआईजी राना अब्दुल जब्बार और कैप्टन रिटायर्ड उस्मान के वारंट गिरफ्तारी जारी होने का मामला। राना अब्दुल जब्बार के वकील और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान खुद अदालत में पेश, ताखिर से आने पर अदालत से माफी मांग ली, आइंदा हर सूरत बर वक्त पेश हुआ करूंगा, डीजी फूड अथॉरिटी की यकीन दहानी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। शहबाज शरीफ के वकाला आजम नजीर तारड़ और अमजद परवेज की नैब ऑफिस आमद, मुकदमे के तफ्तीशी अफसर और शहबाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ मुतमईन है, बेगुनाही का केस मजबूत है, दोनों वकाला की मीडिया से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी, शहबाज शरीफ ने चौधरी लतीफ कंपनी का ठेका मनसूख किया, कौमी खजाने को 66 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। शेख अलाउद्दीन ने कामरान कयानी की कंपनी को ठेका देने के लिए रिश्वत का इंकशाफ किया। हुकूमत का मेट्रो बस का किराया स्टॉप टू स्टॉप मुकर्रर करने का फैसला। मास ट्रांजिट अथॉरिटी की किराए कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 25 रुपए करने की तजवीज। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट ने सब्सिडी रिव्यू पर ब्रीफिंग के लिए जीएम ऑपरेशंस को तलब कर लिया। तर्जुमान वजीर आला पंजाब शहबाज गुल कहते हैं, मेट्रो बस में हर मुसाफिर के लिए 40 रुपए सब्सिडी दी जाती है, हमारी कौम शोकेस प्रोजेक्ट की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अशियाए खुरनोश में इजाफे के बाद कागज भी महंगा, पेपर मिल मालिकान ने 20 रुपए प्रति किलो कागज महंगा कर दिया। उर्दू बाजार के ताजरों का शदीद एहतजाज, पेपर माफिया की अजारादारी नामंजूर नामंजूर के नारे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नोटिस लेने का मुतालिबा।
साबिक हुकूमत की नाकिस पॉलिसियां, महकमा एक्साइज को 1.5 अरब रुपए का नुकसान। 2016 से नाफिज लग्जरी टैक्स के बायस पंजाब में 40% कम गाड़ियां रजिस्टर्ड होने का इंकशाफ। शहबाज दौर में सस्ती रोटी पर तनकीद, अब तकली। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सस्ती रोटी के लिए पहले से ज्यादा फंड मुख्तस कर डाले। सस्ती रोटी अथॉरिटी के लिए 1 करोड़ रुपए मुख्तस, रकम 6.5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7 करोड़ 87 लाख रुपए करने की सिफारिश। हुकूमती कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत के बड़े फैसले, मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन पर मुश्तमिल एडवाइजरी काउंसिल बराए गवर्नेंस कायम कर दी गई। हुकूमत का पानी को महफूज बनाने के लिए वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी तश्कील देने का ऐलान। वजीर आला ने तमाम महकमों से सिफारिशात मांग ली। तरक्याती मनसूबों के लिए नया प्लानिंग कमीशन तश्कील देने का भी फैसला। लाहौर रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव के दफ्तर में आतिशजदगी का मामला, आग लगी नहीं लगाई गई। पंजाब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। आग लगाने के लिए बिजली की तारों के साथ छेड़छाड़ की गई, रिपोर्ट में इंकशाफ। पुलिस ने सदर कोऑपरेटिव मोहम्मद अयूब को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। वकला में आकर ऐसा लगता है जैसे घर आ गया हूं, एक अच्छे वकील का कोई नेमुल बदल नहीं। वकालत से आला और उम्दा पेशा दुनिया में कोई नहीं, चीफ जस्टिस यावर अली। आपस में मुजाकरात ना होने पर जजेज और वकला के मबैन मसाइल पैदा हुए। मुकदमाबाजी के बायस कचहरियों में शहरियों का वक्त जाया होता है। वकला के मसाइल समझता हूँ, उनको हल भी करेंगे, नामजद चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस अनवारुल हक का तकरीर से खिताब। बिजली चोरों की शामत आ गई, वजारत पावर डिवीजन का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। बिजली चोरी पकड़ने के लिए टास्क फोर्स तश्कील दे दी गई। लेस्को चीफ और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मुरासला भिजवा दिया गया। शहर में डाकू बेलगाम, कोट लखपत इंडस्ट्रियल एरिया में डाकू शहरी से 1.5 लाख रुपए नकदी लूटकर फरार। वारदात की सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल। जौहर टाउन में एलडीए और जलई इंतजामिया इन एक्शन, गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दी गईं। सरकारी अराजी बागुजार, मनसा बम के कब्जे से बागुजार अराजी पर क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान दफातर कायम। एडिशनल डीजी एलडीए का दफातर का दौरा। वजीर सेहत यासमीन राशिद की जेर सदारत इजलास, सेक्रेटरी साकिब जफर की हेल्थ कार्ड स्कीम पर ब्रीफिंग। डॉक्टर यासमीन राशिद का कहना है हेल्थ कार्ड स्कीम के तहत कोई मुस्तहक खानदान महरूम नहीं रहना चाहिए। हमजा शहबाज शरीफ की सर्विसेज अस्पताल आमद, खुश अख्तर सुबहानी की अयादत की। रुकन पंजाब असेंबली ख्वाजा सलमान रफीक PIC में जेर इलाज, ख्वाजा इमरान नजीर और चौधरी शहबाज समेत लीगी रहनुमाओं ने अयादत की। अमन कार्ड के जरिए अमन का पैगाम, कौमी कमीशन बराए बैनुल मज़ाहब मुकालमा के जेर एहतमाम। सीक्रेट हार्ट कैथेड्रल हाई स्कूल में अमन कार्ड की नुमाइश, शहरियों की गहरी दिलचस्पी। फादर इनायत बदनाट और मौलाना आसिम मखदूम का अम से मुताल्लिक काविशों पर जोर। तीसरी सालाना मॉरल यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में सजी खसूसी तकरीब, गैर मुल्की वफूद और पाकिस्तानी तालबा की शिरकत। लाहौर कॉलेज वीमेन यूनिवर्सिटी में लड़कियों का फुटबॉल मेला, रॉयल ईगल्स ने इस्लामाबाद को 4 गोल से शिकस्त दे दी। गर्ल्स एथलीट्स का टूर्नामेंट में नाकिस इंतजाम का शिकवा। पाबंदी के बावजूद क्लब मैच क्यों खेला, PCB ने अहमद शहजाद को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। अहमद शहजाद पर डोप टेस्ट मुस्बत आने पर 4 माह की पाबंदी आए। और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में सूफी नाइट, शहजाद संतू ने आवाज का जादू जगाकर तकरीब को 4 चांद लगा दिए। तालबा की मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेज ने भी रंग जमा दिया।